नगर पंचायत भोटा बस अड्डे में लगभग 37 वर्षों के बाद हिमाचल परिवहन निगम हमीरपुर भोटा बस अड्डे की अपनी भूमि को कवर करने जा रहा है। बस अड्डे की भूमि लगभग 6 कनाल 8 मरले भूमि को कवर करने की मांग काफी सालों से चली आ रही थी, जो अब पूरी होने वाली है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के प्रवक्ता विनोद ठाकुर की कड़ी मेहनत रंग लाई। विनोद ठाकुर ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा सपना है कि भोटा बस अड्डे का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाए, और आज बस अड्डे की 4 दीवारें का काम शुरू हो गया है। विनोद ठाकुर का कहना है कि मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करता हूं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज खुशी का दिन है कि आज हिमाचल परिवहन निगम काफी भूमि को कवर करने जा रहा है। सन 1982 के दिन भोटा के स्थानीय लोगों ने बस अड्डे के लिए 6 कनाल 8 मरले भूमि दान में दी थी, पर हिमाचल परिवहन निगम हमीरपुर अपनी जगह को कवर नहीं कर पा रहा था। पर आज भोटा बस अड्डे में 4 दीवारें का काम शुरू होने पर भोटा वासियों ने नई उम्मीद जग गई है। आज बड़ी खुशी का दिन है और इसका मतलब बस अड्डे का काम जो है शुरू हो गया है कवर करने का, और मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बस स्टैंड का भी कार्य शुरू किया जाए, जिससे लोग